तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो ये जर्नल एंट्री है, इसमें लेजर नहीं है एंड 90% स्टूडेंट को जर्नल एंट्री डिफिकल्ट पड़ता है। जो लोग बेसिक लेवल पे, जिनको अकाउंट्स पहले से डिफिकल्ट था, उनके लिए जर्नल एंट्री भी डिफिकल्ट होता है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा इस टॉपिक के लिए। वैसे ही एग्जाम में जाके लिखना, जर्नल एंट्री पूरा हो जाएगा। फिर ये वर्किंग बनाएंगे और इस वर्किंग से अमाउंट मिलेगा। जर्नल एंट्री में खाली फिल इन द ब्लैंक करना। बात समझ में आया क्या? पहले तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है, कैसे करना है, फिर आपको एंट्रीज हाइड करने का ट्रिक दे दूंगा मैं। अगर ब्लर हो रहा है, क्योंकि आज नेट क्लियर है बेटा, यहाँ पे ब्लर हो रहा है, तो सेटिंग्स पे जाओ अंबिका और सेटिंग्स पे जाके 720p करो तो क्लियर हो जाएगा बोर्ड। मेरे हिसाब से बोर्ड क्लियर है यहाँ पे, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट में आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। तो इस टॉपिक में पहले तो मैं आपको इस टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन करूँगा, दूसरा आपको एंट्रीज कैसे लिखना वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर वर्किंग बनाएंगे। हर समय कॉमन वर्किंग होगा, ये वर्किंग बन जाएगा तो खाली अमाउंट फिलिंग द ब्लैंक करना है और 8 मार्क मिल जाएगा। क्लियर है? पक्का 100%? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर। आई होप सब लोग कनेक्टेड है यहाँ पे, और भी अगर कोई स्टूडेंट कनेक्ट नहीं हुए तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना, जिनको भी लग रहा है कि भाई इश्यू ऑफ शेयर डिफिकल्ट है, तो ये जो लिंक है ग्रुप में शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर। एसपी के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा इशू का मतलब क्या है। इशू का मतलब बेचना। इशू का मतलब क्या है? बेचना। शेयर्स बेचना। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है शेयर्स बेचना है। सिंपल बेस्ट एग्जांपल जो रीसेंट अभी चल रहा है, शार्क टैंक इंडिया। आई डोंट नो कितने लोग देखते हैं ये सीरीज, शार्क टैंक इंडिया जो सोनी पे चल रहा था। इसमें अलग अलग पर्सन आता है एक आइडिया लेके कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट में इतना पैसा लगा है, अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो हम आपके पैसे का ये यूज करेंगे और आपको प्रॉफिट देंगे। ये समझ में आ रहा है? तो वो जो कंपनी जो आइडिया लेके आ रहा है ना पब्लिक, मैं कंपनी हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं आइडिया इन्वेस्टर के पास लेके जाता हूँ। इन्वेस्टर को बोलता हूँ भाई देख, ये मेरा कंपनी में ये प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, ये प्रोडक्ट मार्केट में नया है, इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट हो सकता है, मुझे पैसे की जरूरत है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको 1% शेयर दूंगा, 2% शेयर दूंगा या 100% शेयर दूंगा। शेयर मतलब कंपनी जिसके पास आइडिया है वो मार्केट में शेयर्स इशू कर रहा है, बेच रहा है। अब वो कितना इशू कर रहा है वो अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा, उतना शेयर इशू करेगा और उसके बदले में उनके पास से, पब्लिक के पास से क्या लेगा? पैसा लेगा। तो यही है इशू ऑफ शेयर। शेयर्स बेचना है, आइडिया के बदले में सामने वाले से पैसा कलेक्ट करना है और उस पैसे से बिजनेस चलाना है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता, सोल ट्रेडिंग मतलब सिंगल आदमी है, वो खुद ही पैसा लगाता है, खुद ही मालिक होता है, प्रॉफिट भी खुद ही लेता है, वहां पे शेयर्स नहीं होते। पार्टनरशिप फर्म है, दो पार्टनर ने पैसा लगाया, दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, प्रॉफिट शेयरिंग शेयर्स आ जाता है, तो भाई दो हिस्सा तू ले रहे, तीन हिस्सा मुझे देते हैं या इक्वल ले रहे, तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं, बड़े कंपनी की बात करूं, तो इधर पैसा पब्लिक का लगता है, आम आदमी का लगता है। जिसके पास ज्यादा पैसा वो क्या बोलता है, अच्छा ठीक है मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक काम कर इस कंपनी में पैसा लगा दे, इस कंपनी में प्रॉफिट होगा तो बैठे बैठे पैसा मिलेगा। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करे और मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर्स बेच रहा हूँ। तुम हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, हम आपको इतना शेयर का प्रॉफिट दें। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है समझ में आएगा? आई होप इतना सबको क्लियर है। सम कौन सा है, क्या है बेटा, सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। चलिए ठीक, वापस एक बार। अब इश्यू ऑफ शेयर्स आई होप यहां तक क्लियर है, हाँ या नहीं? अब मैं पैसा जब मांगने जाऊंगा ना, पैसा मांगने जाऊंगा इन्वेस्टर से, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं देता। आप किसके लिए पैसा मांगने जाओ डायरेक्टली नहीं देगा, आपके ऊपर ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। तो पैसा मांगने के लिए अलग अलग स्टेजेस बनाए जाएंगे इस टॉपिक में। जो आप पैसा, जो शेयर्स बेचने वाले हो, तो पैसा बेच लेने के लिए आपको डायरेक्टली कोई पैसा नहीं देगा, एक एक स्टेज आएगा, वो स्टेज में आपको पैसा मिलेगा। क्लियर? अब मैं बोलता हूँ कि मैंने कंपनी का शेयर्स बेचने निकाला, मैंने बोला एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, मुझे 10 रुपए की जरूरत है, एक शेयर लो 10 रुपया दो, दो शेयर लो 20 रुपया दो, तीन शेयर लो 30 रुपया दो। तो मैं मार्केट में एक शेयर बेचने निकला तो कितना मिलेगा? 10 रुपए। क्यों? क्योंकि मेरे शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए।
लेकिन मैं बोल रहा देख 10 रुपया फेस वैल्यू है, लेकिन मेरे कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, आज 10 रुपया लगाएगा कल 20 रुपए तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं 10 रुपए का चीज है 10 में नहीं बेचूंगा, मैं 10 रुपए का चीज है 10 रुपए के ऊपर 12 रुपए में बेचूंगा। जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा सामने वाले से मांगते हो तो उसे आप कहते हो प्रीमियम। क्या कहते हो? प्रीमियम। फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मांगना मतलब प्रीमियम है, क्लियर है? लेकिन भाई 10 रुपए का प्रोडक्ट है, मुझे मालूम है मेरे प्रोडक्ट में अभी नया प्रोडक्ट है, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, मैंने 10 रुपए का चीज, एक काम करो आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कम करो 9 रुपया दे दो, तो इसे मैं कहता हूँ डिस्काउंट। क्या कहता हूँ? डिस्काउंट। मतलब जब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो प्रीमियम मांग रहे हो, लेकिन फेस वैल्यू से कम पैसा मांग रहे हो मतलब डिस्काउंट मांग रहे हो, लेकिन जितना फेस वैल्यू है उतना ही पैसा मांग रहे हो मतलब पार वैल्यू मांग रहे हो, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू जितना है उतना ही मांग। तो शेयर्स इशू होता है प्रीमियम में, पार में, डिस्काउंट में। शेयर मार्केट में जब आप बेचोगे तो आप कैसे इशू कर सकते हो? प्रीमियम में इशू कर सकते हो, पार में इशू कर सकते हो, या तो फिर डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। समझ में आया क्या? शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, पार एंड डिस्काउंट। क्लियर? पक्का? प्रीमियम मतलब ज्यादा मांगना, डिस्काउंट मतलब कम मांगना, एंड पार मतलब जितना है उतना मांगना। क्लियर हुआ ये? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, जो लोग देख रहे आई होप इतना क्लियर है। वैष्णवी सर, इस चैप्टर में राइटिंग नोट्स लिखना जरूरी है क्या? राइटिंग नोट्स मतलब वर्किंग नोट की बात कर रहे आप? अगर आप वर्किंग नोट की बात करें तो वर्किंग नोट आपको मेरा जो फॉर्मेट है इसमें बहुत हेल्प करेगा, देखना धीरे धीरे क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट ही हुआ है, पहले चीजों को समझो फिर इसका इंपॉर्टेंस समझो क्या है। फिर से एक बार, अगर आपने शेयर्स बेचने निकाला है, 10 रुपए का शेयर है 10 में बेचा है, तो इसे हम कहते हैं इशू एट पार। 10 रुपए का चीज है 12 में इशू किया है, इशू एट प्रीमियम। 10 रुपए का चीज है 9 रुपए में इशू किया है, इशू एट डिस्काउंट। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूँ मुझे 10,000 शेयर्स बेचना है, मैं पब्लिक के पास गया, मैं 10,000 शेयर्स बेचने का और 10 रुपया उसका कीमत है, मतलब मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। मैं इन्वेस्टर के पास, भाई 1,00,000 रुपया लगाओ आपको फ्यूचर में हमारी कंपनी से प्रॉफिट होगा, तो सामने वाला इन्वेस्टर बोलता है ठीक है लगाने के लिए रेडी। अब हो सकता है ये लगाने के लिए रेडी, इसके बाजू में और एक बंदा बैठा, नहीं नहीं भाई मुझे भी लगाने का आपके शेयर में पैसा, ये बोलेगा नहीं मुझे भी शेयर में पैसा लगाने का, नहीं मुझे भी शेयर में पैसा लगाना है, मुझे भी आपके। हो सकता है जब मैं शेयर्स मार्केट में बेचने निकालूं तो मुझे अलग अलग लोग अप्रोच करें, अरे इसका आइडिया अच्छा है, इसके आइडिया में प्रॉफिट है, पैसा लगाओ। तो मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, सब जितने लोग मेरे शेयर्स में इंटरेस्टेड है उनका एप्लीकेशन लूंगा मैं। आपको इंटरेस्ट है कितने शेयर में? इंटरेस्ट है आपको? इंटरेस्ट है कितने शेयर में? इंटरेस्ट है आपको? इंटरेस्ट है तो कितने शेयर? सबका एप्लीकेशन लूंगा। एप्लीकेशन लेने के बाद मैं चेक करूंगा कि ये बंदा वैलिड है या नहीं है, ये पैसा देगा कि नहीं देगा, खाली बोलने के लिए हाँ बोल रहा है बाद में देगा नहीं देगा। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो पैसा मांगने के लिए बोलती है तुम अप्लाई करो। क्या करो? अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद हम डिसाइड करेंगे आपको शेयर्स देना है या नहीं। मुझे ऐसा लगा नहीं भाई इसने खाली बोलने के लिए पैसा लगाया, ये पैसा फ्यूचर में दे नहीं सकता, इसके शेयर्स को रिजेक्ट कर लो। इसने भी बोला भाई 1,00,000 रुपए देंगे, लेकिन 1,00,000 रुपए के अभी 10,000 देने का मालूम बड़ा गायब हो गया, तो भाई कंपनी लॉस में जा सकता है, रिजेक्ट करो। मुझे लग रहा है नहीं ये पैसा दे सकता है, इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करो। इसलिए जब भी आप इश्यू ऑफ शेयर्स करोगे तो सबसे पहला जो स्टेज होगा उसे आप क्या कहते हो? एप्लीकेशन स्टेज। और ये स्टेज से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। कंपनी का कैपेसिटी फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि 10,000 शेयर्स मुझे बेचना है। क्लियर? मुझे कितने शेयर्स बेचने? 10,000 शेयर्स बेचने हैं और एप्लीकेशन भी 10,000 आया है, तो इसे मैं कहता हूं एप्लीकेशन एट पार। क्या कहता हूं? एप्लीकेशन एट पार। 10,000 शेयर्स है, 10,000 एप्लीकेशन है एट पार। लेकिन अगर 10,000 का एप्लीकेशन है और 10,000 कैपेसिटी है और 12,000 आया, मतलब एप्लीकेशन एट प्रीमियम हो जाएगा। 10,000 शेयर्स है, 9,000 ही आया, मतलब ये फेस वैल्यू, ये एप्लीकेशन, शेयर इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ये समझ में आया? पहला थियरी है, थोड़ा थियरी सुन लो, एंट्रीज बाहर हो जाएगा। कंसेप्ट एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कंसेप्ट बैठ गया ना दिमाग में तो ये एंट्रीज तो कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाएगा।
इसलिए थोड़ा सा थियरी टाइप में मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज थियरी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरी का कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो, ये एंट्री में बोलता ना 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में पूरा एंट्री हो जाएगा और बाद में आपको खाली फिल इन द ब्लैंक करने का। तो इस पे बाद में आते, पहले ये कंसेप्ट जो ये समझ लो। जब भी आप शेयर्स इश्यू करोगे तो देखना है कि 10,000 कैपेसिटी है तो एप्लीकेशन कितना मिला, 10,000 मिला, 12,000 मिला या 9,000 मिला। अगर जितना है उतना मिला मतलब एप्लीकेशन पार है। 10,000 है, 12,000 है, एप्लीकेशन प्रीमियम है। 10,000 है, 9,000 है, एप्लीकेशन डिस्काउंट है। जितना है अगर उतना ही आया तो अलॉट भी उतना ही करेंगे हमेशा। है देखो, अलॉटमेंट जो है कंपनी की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है। अलॉटमेंट कभी भी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है। कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होएगा। तो अगर 10,000 आया तो 10,000 अलॉट करेंगे, 12,000 आया तो भी 10,000 ही करेंगे, लेकिन अगर 9,000 आया तो अलॉटमेंट 9,000 होगा। तो सर इस केस में 2,000 एक्स्ट्रा आपके पास मिला, जब ये 2,000 एक्स्ट्रा है तो इसका दो चीज हो सकता है, या तो रिजेक्ट या तो प्रोराटा। अब ये प्रोराटा क्या है, रिजेक्ट क्या है, वो बाद में देखेंगे। मैंने आपको सीधा एक्सप्लेन किया, 10,000 कैपेसिटी है, एप्लीकेशन 10,000 आया तो अलॉट कितना कर सकते हैं, 10,000 कैपेसिटी है, 12,000 आया अलॉट कितना कर सकते हैं, 10,000 कैपेसिटी है, 9,000 आया अलॉट कितना कर सकते हैं। क्लियर, पक्का क्लियर। चलिए पढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है एप्लीकेशन का स्टेज है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मनी एट ई स्टेज। मनी एट ई स्टेज का मतलब है ये कि भाई 10 रुपए का शेयर है, आप कितना मांगने वाले हो और कौन से स्टेज पे कितना मांगने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम, मतलब मैंने 12 रुपया मांगा है। तो 12 रुपया जो मांगा है उसमें एप्लीकेशन पे कितना मांग लिया है, अलॉटमेंट में कितना मांगा है, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा है, फाइनल कॉल में कितना मांगा है, ये मुझे फाइंड करना होगा। क्लियर। तो मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने एप्लीकेशन में 3 रुपया मांगा, प्रीमियम का इधर मांगा नहीं, मतलब 3 रुपया आ गया इधर। अलॉटमेंट में मैंने इधर 5 रुपया मांगा और इधर 2 रुपया मांगा, मतलब 7 रुपया मांग लिया। यहाँ पे 2 रुपया मांगा है, प्रीमियम की जरूरत नहीं है, 2 रुपया आ गया, आया नहीं, कितना हो गया, 10। इधर फाइनल कॉल किया ही नहीं मैंने, क्योंकि हो गए पूरे 12 रुपए। बात समझा? तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, देखो 10 रुपए इधर, 2 रुपए इधर, टोटल 12 रुपया हो गया, जिसमें 2 रुपया जो है ये किसका है, प्रीमियम का है, और ये किस चीज का है, कैपिटल का है। कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा। कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जाएगा। क्लियर है? हमेशा ही याद। तो अभी आपने को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में 3 रुपया तो 3 रुपया मनी इधर मांगेंगे, अलॉटमेंट में 7 रुपया है तो इधर 7 रुपया मांगेंगे, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया है तो 2 रुपया, सेकेंड कॉल होगा तो सेकेंड कॉल में, थर्ड कॉल होगा थर्ड कॉल में, फोर्थ कॉल होगा, जितने कॉल्स उतने बार पैसा मांगना। आपके सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बोलू आपको एक ही कॉल आएगा, अगर शेयर फोर फीचर है तो एक कॉल आएगा, शेयर फोर फीचर नहीं है तो 2 कॉल आ सकता है। बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर आपको एप्लीकेशन कंपलसरी है, अलॉटमेंट कंपलसरी, फर्स्ट एंड सेकेंड के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है एक कॉल और शेयर फोरफीटर आ जाए। अभी शेयर फोरफीट क्या होता है आपको समझेगा बाद में, अभी फर्स्ट कॉल आएगा, अगर शेयर फोरफीचर नहीं है तो सेकेंड कॉल आएगा, मतलब ये 4 एंट्रीज आ सकती है। क्लियर कंसेप्ट बैठा दिमाग में, पक्का बैठा। आता हूँ एंट्रीज की तरफ, ध्यान से सुनना एंट्रीज कैसे बनती है। एंट्रीज समझ गया ये एक वर्किंग नोट समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार जरा ध्यान देना, फर्स्ट कॉल में क्या होता है इशिता, फर्स्ट कॉल में हम सामने वाले से, देखो तुम जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो मुझे ऐसा लगा मैं मनीषा ने अप्लाई किया है, रोशनी ने अप्लाई किया है, तो रोशनी का शेयर रिजेक्ट करने का है, सोनाली का एक्सेप्ट करने का है और मनीषा का एक्सेप्ट करने का है। तो मैंने तुम्हारे शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए तो तुमको फोन करके बोला भाई तुम्हारे शेयर्स हो चुके अब चलो अलॉटमेंट का पैसा दे दो। अभी तुम्हारा अलॉटमेंट में अभी तुम्हारा कितना हुआ, 7 और 3 10 रुपया, अभी भी 2 रुपया बाकी है, तो मैं एक फर्स्ट कॉल करूंगा 2 रुपये दे दो। पूरे 12 रुपये हम लोग इंस्टॉलमेंट में मांगते, एक साथ नहीं मांगते। तो यहाँ पे 10 रुपया मांगा है तो फर्स्ट कॉल करेंगे, अपने को लगा भाई फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा नहीं मिला सेकंड कॉल करेंगे, सेकंड कॉल में पूरा पैसा नहीं मिला थर्ड कॉल करेंगे, मतलब जब तक 12 रुपया कंप्लीट नहीं होगा तब तक कॉल किया जाएगा। समझा? पक्का संगीता? फिर रोशनी, अब बढ़ते एंट्रीज की तरफ, देखते क्या है फोरफिट क्या होता है। बेटा अंकित, अंकित फोरफीचर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले इतना समझ लो। चल आप प्राजक्ता बगू काय दिलेला है, यहाँ पे है कुछ, मैंने एंट्रीज पहले से लिख के रखा है,
आर टी टी आर टी आर टी आर, खाली पहले में आर और टी लिखा है, उसके बाद जो भी है टी आर टी आर टी आर टी आर टी आर, पहले इसमें आर टी फिर टी आर टी आर। आर का मतलब रिसीव, टी का मतलब ट्रांसफर। आर का मतलब रिसीव, टी का मतलब ट्रांसफर। रिसीव ट्रांसफर, रिसीव ट्रांसफर, रिसीव ट्रांसफर, रिसीव ट्रांसफर। रिसीव्ड का मतलब पैसा आएगा, रिसीव्ड का मतलब पैसा आएगा, रिसीव्ड का मतलब पैसा आएगा। ट्रांसफर का मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करो, कैपिटल का मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करो, ट्रांसफर का मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करो, ट्रांसफर का मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करो। पैसा जो आया है वो किसका है, कैपिटल का है, कैपिटल में ट्रांसफर करो। समझ में आया? तो जिधर भी आर है उसका मतलब पैसा आएगा, जिधर भी टी है मतलब पैसा जाएगा नहीं, पैसा ट्रांसफर होगा, किधर, कैपिटल में। समझाइए, क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर एंट्री देखते हैं क्या करेंगे। 12,000 और 12 का कुछ समझा नहीं है, रिपीट करोगे क्या बेटा? अभी तो खाली एंट्रीज पे फोकस करो, अगर एंट्रीज क्लियर हो जाएगा तो वापस से वो 12,000 और 12 रुपए का एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ। अभी एंट्रीज पे आते हैं, जरा एंट्रीज पे ध्यान देना। मैंने आपको एंट्रीज में बताया आर टी टी आर टी आर टी आर, बराबर है? मेरे साथ ग्रुपिंग करके रखा है, दो 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 ऐसा ग्रुपिंग किया है। क्यों किया, किस लिए, एक्सप्लेन करता हूँ। आर 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 मतलब रिसीव, रिसीव मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। फिर से इधर रिसीव दिख रहा है, वापस से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ये समझा? सर इधर भी रिसीव है, फिर से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से रिसीव है कैश और बैंक अकाउंट, ये समझा आपको? जिधर भी आर था वहां पे कैश और बैंक डेबिट किया, क्यों? क्योंकि पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और जिधर भी टी लिखा है मैंने वहां पे ट्रांसफर करूंगा कैपिटल में, ट्रांसफर करूंगा कैपिटल में, कैपिटल क्रेडिट होता है तो ट्रांसफर भी क्रेडिट में होगा। तो टू जो भी शेयर आपने इशू किया रहेगा, इक्विटी शेयर इशू किया तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर इशू किया डिवेंचर। अभी मेरे को मालूम नहीं है, मैं डायरेक्टली सिर्फ सिंपल लिख रहा हूँ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या लिखूंगा मैं, टू शेयर। अगर इधर इक्विटी शेयर इशू किया है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है। बात समझ में आया क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, हमने शेयर कैपिटल लिखा तो राइट मार्क्स, यस राइट मार्क्स है, खाली शेयर कैपिटल लिखा तो भी चलेगा। समझाइए सर, फिर से ट्रांसफर है तो फिर से लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंडरस्टूड? फिर ट्रांसफर है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझाइए? फिर से ट्रांसफर है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना समझ में आया? पक्का समझा है? अब क्या करेंगे मालूम है, ये जो मैंने ग्रुपिंग करके रखा है इसका मतलब क्या है? जो ग्रुपिंग करके रखा है मैंने, वहां पे आप लिखोगे उस एंट्री का नाम। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रुप करके रखा है, मैंने आपको बताया था आप पैसा कौन से स्टेज में मांगोगे, एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो ये पहला दो दिख रहा है, ये पहला जो एंट्री है वो एप्लीकेशन का एंट्री है, दूसरा जो एंट्री है वो अलॉटमेंट का है, तीसरा जो है वो फर्स्ट कॉल, और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो जिधर जगह खाली है उधर उस एंट्री का नाम भर दो। जैसे यहाँ पे कौन सा एंट्री है, दोनों एप्लीकेशन है, तो इसका डेबिट हो गया है, तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, समझाइए? इसका क्रेडिट हो गया है तो इसके डेबिट में लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री फुल हो गया, ये कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट, इसका क्रेडिट हो गया डेबिट में आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसका डेबिट हो गया क्रेडिट में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझा? ये कौन सा स्टेज है, फर्स्ट कॉल, क्रेडिट हो गया तो डेबिट में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट।
इसका डेबिट हो गया तो क्रेडिट में टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ये कौन सा कॉल है? सेकेंड कॉल. क्रेडिट हो गया तो डेबिट में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. आपने बेड़ा पार कर लिया, अब खाली अमाउंट एंट्री बन गया. हर सम में सेम एंट्री, हर सम में यही एंट्री. रिसीप्ट पैसा आएगा, ट्रांसफर कैपिटल में ट्रांसफर. रिसीप्ट पैसा आएगा, ट्रांसफर कैपिटल में ट्रांसफर. फिर जो भी स्टेज है उसका नाम, जो भी स्टेज है उसका नाम, जो भी स्टेज है उसका नाम लिखने का. जैसे ये स्टेज था एप्लीकेशन, तो जिधर जगह खाली था एप्लीकेशन. ये दो स्टेज है अलॉटमेंट, जिधर जगह खाली था अलॉटमेंट. ये दो स्टेज है फर्स्ट कॉल, जिधर जगह खाली था फर्स्ट कॉल. ये दो स्टेज है सेकेंड कॉल, जिधर जगह खाली था उधर सेकेंड कॉल. क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? 100% याद है, क्लियर है सबको? पक्का ना? बढ़ू आगे. अब आपको क्या करना है रोशनी वाले में? खाली अमाउंट डेबिट क्रेडिट भरने का है. उसके लिए क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करके वर्किंग प्रिपेयर करेंगे, और वर्किंग प्रिपेयर करके खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करेंगे. तो अभी आप देखो, मैंने बिना क्वेश्चन रीड किए, मैंने क्वेश्चन तक रीड नहीं किया है. इश्यू ऑफ शेयर्स बिना क्वेश्चन रीड किए मैंने जनरल एंट्री सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है कि एंट्री यही है नहीं. थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा जब आप प्रो बन जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अरे यार अपने को तो इतना ही एंट्री सॉल्व करने का है. क्योंकि हर एग्जाम में आप क्वेश्चन तो रीड करने वाले हो, उसके बाद ही एंट्री सीखने वाले हो. अभी तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है. बट जैसे आप प्रो बन जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा नहीं यार इसमें इतना एंट्री करना है, इसमें इतना एंट्री करने का. क्लियर? पक्का? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पेज नंबर 341 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 341 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 341 क्वेश्चन नंबर सेकेंड. पेज नंबर 341 सम नंबर सेकेंड. नरेशन के लिए टेंशन मत लो, नरेशन कैसे लिखने का आज ही पता चलेगा. कशिश क्या प्रॉब्लम बेटा आपको? एंट्री फिर से एक्सप्लेन करूं? कशिश फिर से एक बार जरा ध्यान दो एंट्रीज के लिए. आर टी टी आर टी आर टी आर टी आर, पहले एंट्री में आर और टी, उसके बाद सब टी आर टी आर टी आर टी आर ही लिखने का. जिधर भी आर है उसका मतलब पैसा आएगा, और जिधर भी टी है वहां पे कैपिटल ट्रांसफर होएगा. तो आर के जगह पे कैशर बैंक अकाउंट डेबिट, आर के जगह पे कैशर बैंक अकाउंट डेबिट, आर के जगह पे कैशर बैंक अकाउंट डेबिट, आर के जगह पे कैशर बैंक अकाउंट डेबिट. और जिधर भी टी है वहां पे कैपिटल ट्रांसफर, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल. और फिर बाद में स्टेजेस का नाम, पहला एप्लीकेशन का स्टेज है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का स्टेज है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का स्टेज है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का स्टेज है फाइनल. क्लियर? हाँ पंटू, सब करेंगे. 10,000 कंपनी का कैपेसिटी है, 8,000 आया, क्या करेंगे? सब सम सॉल्व करेंगे. आप खाली पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. आप टेंशन मत लो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. प्रो रैटा का भी, ओवर एप्लीकेशन, अंडर एप्लीकेशन सब एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना. चलिए बढ़ेंगे आगे. क्वेश्चन क्या है जरा देखते. क्वेश्चन दिया है, आनंद कंपनी लिमिटेड issued 1,00,000 preference shares of question mark, जो दिया वो रुपीज है. आनंद कंपनी लिमिटेड issued 1,00,000 preference shares of 10 each payable as on application 4, on allotment 3, on first call 2, on second and final call 1. Company receive application for all the shares and receive all the money. कंपनी ने कितने शेयर्स बेचने निकाला है? देखो पहले लाइन पे दिया है, कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स बेचने निकाला है. इसका मतलब कंपनी का कैपेसिटी 1,00,000. ये समझा गया? आगे बोला है कि 1,00,000 रुपए का शेयर है जिसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया. मतलब कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो कितने में इशू कर रही है? 10 रुपए में. मतलब इशू एट पार है, तो कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 10 रुपए चाहिए. कोई प्रीमियम वगैरह है क्या? 1,00,000 शेयर बेचना है, 10 रुपया एक शेयर का मांगने का है.
ओके आगे बढ़ते आगे क्या किया है, आगे बोला है कि भाई जो 10 रुपया है उसमें आप एप्लीकेशन पे कितना मांगने वाले हो, तो 10 रुपए में एप्लीकेशन पे मांगने वाले हो 4 रुपया, अलॉटमेंट पे मांगने वाले हो 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे मांगने वाले हो 2 रुपया, सेकेंड कॉल पे मांगने वाले हो 1 रुपया। तो देखो आपका 10 रुपया का हिसाब मिल गया, मतलब पहले 4 रुपया मांगेंगे, फिर 3 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर क्लियर। कितने शेयर बेचने के प्रोजेक्ट का, 1 लाख शेयर बेचने के 10 रुपया मांगना है। आगे बोला है क्वेश्चन के अंदर, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर ऑल दीज शेयर्स, जितने शेयर्स बेचने थे एप्लीकेशन उतने शेयर्स के लिए आ गए, मतलब 1 लाख शेयर्स के लिए आए, 1 लाख शेयर्स बेचना था, 1 लाख का एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट कितना करेंगे, जितना कैपेसिटी है उतना ही 1 लाख। कोई प्रोरेटा वेटा है क्या, रिफंड रिजेक्ट कुछ है क्या, नहीं। तो ये पहला वर्किंग डन, पक्का समझ में आया। अब आते हैं पैसा मांगने, एप्लीकेशन स्टेज पे एप्लीकेशन कितना आया, 1 लाख। देखो 1 लाख एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन में हमें कितना बोला था भरने के लिए, तो 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपया मांगा। कुछ रिफंड किया क्या, रिजेक्ट किया क्या, प्रोरेटा किया क्या, नहीं। मतलब इस स्टेज में पूरा 4 लाख ही मिलेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं भाई, पूरा एक्सेप्ट कर लिया हमने। अलॉटमेंट में कितना अलॉट किया, 1 लाख। अलॉटमेंट में कितना मांग रहे, पूरा पैसा मिलेगा, हाँ सर आपने शेयर एक्सेप्ट किया तो पूरा पैसा तो मिलेगा, 3 लाख। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, ऑल मनी वेयर रिसीव्ड ऐसा बोलते हैं, मतलब अलॉटमेंट में 3 लाख मिलेगा। फर्स्ट कॉल कितने का होने वाला है, कितने शेयर है, 1 लाख। 1 लाख पे 2 रुपए के हिसाब से, फाइनल कॉल में 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से, समझ में आ गया, वर्किंग समझा। एंट्री मार के रखा है, खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक। एप्लीकेशन में कितना है, ये 2 एंट्री एप्लीकेशन का है, कितना पैसा आया, 4। किस चीज का है, एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन का 4। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना पहले एप्लीकेशन डेबिट करो। क्या ये पूरा कैपिटल का है, हाँ सर, कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं, मतलब पूरा कैपिटल का है, तो ट्रांसफर कर दिया पूरा, एप्लीकेशन खत्म। अभी कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट, कितना मिलेगा, 3 लाख भाई अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का आया 3 लाख। पूरा कैपिटल का है, हाँ सर पूरा कैपिटल का है, नरेशन एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एंट्री समझ लो, 3 लाख 3 लाख। पूरा पैसा आया, हाँ सर पूरा पैसा आया, अलॉटमेंट पूरा 3 लाख। फर्स्ट कॉल कितना, 2 लाख, 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, बात समझाइए। जितना पैसा कैपिटल में गया पूरा पैसा आपको मिल गया 2 लाख। फाइनल कॉल 1 लाख, 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, खत्म हो गया, 8 मार्क मिल गए, समझ में आया। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 हो गया ना, 8 मार्क का सम है, बेसिक सम आ गया, 8 मार्क मिले, क्लियर है। अब जरा देखो कुछ डाउट्स चल रहे थे चैट बॉक्स में, मैं देख रहा था सर वो डेट के कॉलम में नरेशन, देखो ये जो मैंने आपको लिख के दिया ना, ये टेम्पररी आपको समझने के लिए, बोर्ड एग्जाम में आप पेंसिल से ही कॉलम में लिखोगे। सर डेट की कॉलम में क्या करेंगे, अगर डेट नहीं दिया है तो 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस डालना है, अगर डेट दिया है तो उधर जिस तारीख को इशू किया है, जितना इशू किया वो आपको लिखना है, ये समझा गया। डेट के कॉलम में डेट ही आएगा, अगर डेट नहीं दिया है तो वहां पे एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आने वाला। आते हैं नरेशन की तरफ, तो नरेशन ना मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, मुझे ना नहीं समझा है, मैंने कहा ये कौन सा एंट्री है, रिसीव्ड, ये कौन सा एंट्री है, ट्रांसफर, तो इधर क्या लिखेंगे, बीइंग, नरेशन स्टार्ट चालू होता है बीइंग से, बीइंग कौन सा स्टेज है, एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हो गया नरेशन, समझा। इधर नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, खत्म नरेशन, समझा, शॉर्ट और स्वीट। इस तरह बड़ा नहीं लिखते बैठेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नहीं ले छोटा छोटा ये बड़े एक्सप्लेनेशन से कुछ नहीं होने वाला है, स्मॉल एंड स्वीट नरेशन चाहिए, समझा, वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा एंट्री है, अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, समझा, यहाँ पे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, समझा, ये नरेशन समझा कैसे। मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई बिकॉज ऑफ स्पेस और कोई रीजन नहीं है,
आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। नरेशन समझा? हाँ। जो रिसीव और ट्रांसफर है वही आपको बीइंग में लिखना है। क्लियर है? पक्का? स्टार्ट करेंगे सेकंड सम वही पेज पे, पेज नंबर 341 पे, सम नंबर 3 पे। एंट्री सेम रख रहा हूँ, एंट्रीज में कुछ भी चेंज में नहीं कर रहा हूँ, एंट्रीज वही रहेगा, वर्किंग सेम रहेगा, खाली अमाउंट भरने का है। मतलब जब भी आप इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हो एंट्री लिख के रखो फिर अमाउंट भरो। ओके स्टार्ट करते हैं, साइली देखते क्या दिया है। रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलो। भवेश यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 100। बेचना कितने में? 100 में, मतलब एट पार ही है। अब ये मांग रहे कैसे है, कितना मांगने वाले उसके बारे में पढ़ेंगे। अलॉटमेंट में कितना मांगेंगे, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगेंगे, सेकेंड कॉल में कितना मांगेंगे, ये अपने को देखना पड़ेगा। कंपनी कितना शेयर बेचने निकाल रही है? 25,000 शेयर, बराबर है? हाँ। कंपनी 25,000 शेयर बेचने निकाल रही है तो कंपनी का कैपेसिटी है 25,000। 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए में बेचने वाली है। अब आगे दिया है एप्लीकेशन पे 20 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है? एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, 20 हो गए 100 रुपए। कोई प्रीमियम वगैरह है क्या? नहीं सर, कोई प्रीमियम वगैरह तो नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते देखते उसके बाद क्या दिया है। आगे दिया है एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 22,000 शेयर। देखो आज अभी लाइव चैट में एक डाउट था, सर कंपनी का कैपेसिटी 10,000 है, 8,000 एप्लीकेशन आया तो क्या? अभी भी वैसा ही है, कंपनी का कैपेसिटी कितना है? एप्लीकेशन कितना आया? इसे अंडर एप्लीकेशन कहते हैं। अंडर एप्लीकेशन मतलब कम एप्लीकेशन आया। आप अलॉट कितना करोगे? जितना आया उतना ही ना। कंपनी की कैपेसिटी से ज्यादा कर सकते हो क्या? नहीं। बट एप्लीकेशन आया कितना है तो अलॉटमेंट कितना होगा? कोई प्रो राटा रिजेक्ट वगैरह नहीं। समझाइए, नहीं समझा? सही, वापस ही 25,000 की कैपेसिटी है, मेरे को 25,000 शेयर बेचना है, मैं ठेला लेके बैठा, शेयर खरीदो शेयर खरीदो शेयर खरीदो, 25,000 शेयर लेके बैठा, आया खरीदा आया खरीदा आया खरीदा, 22,000 बिक गए, कितने बच गए? 3,000। बट पैसा आया कितने का? 22 का। तो शेयर अलॉट कितना किया? 3,000 अपने पास ही पड़े ना अभी भी। समझ में आया? तो जब अंडर एप्लीकेशन आया तो अलॉटमेंट कितना होगा? जितना एप्लीकेशन आया उतना ही। समझाइए, तो यहाँ पे कोई प्रो रेटा वगैरह है क्या? नहीं। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे एप्लीकेशन पे पैसा मांगे, कितना मांगने वाले? 20। एप्लीकेशन आया कितना था? 22,000 पे 20 रुपए के हिसाब से 4,40,000। 4,40,000 अलॉटमेंट में कितना अलॉट किया है? 22,000। 22,000 पे कितना है? 30 रुपए, मतलब 6,60,000। अरे समझा? फर्स्ट कॉल पे कितना है? 22,000 शेयर्स के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से 4,40,000। सर आपने 22,000 ही क्यों लिखा? बोलूंगा जितना कैपेसिटी है उतना अलॉट किया, और जितना अलॉट करोगे उसके बाद जो भी स्टेज होगा उतने ही शेयर्स के ऊपर पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट 22 किया है तो पैसा भी 22,000 शेयर्स पे ही मांगेंगे, फिर वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल कुछ भी हो गए। समझा यहाँ तक? पक्का? फाइनल कॉल में 22,000 शेयर्स पे कितना पैसा मांगने का है? 30 रुपए के हिसाब से 6,60,000। देखो क्वेश्चन रीड करके मैंने वर्किंग बनाया, एंट्रीज पहले से लिख के रखा है, खाली अमाउंट। एप्लीकेशन में कितना? पहले जो एंट्री एप्लीकेशन का है सीधा सीधा पैसा आया 4,40,000, पूरा का पूरा एप्लीकेशन का है 4,40,000। क्या पूरा 4,40,000 कैपिटल का है? हाँ सर, पूरा 4,40,000 कैपिटल का है, तो पूरा ट्रांसफर भी कर दिया। अभी अलॉटमेंट कितना मांग रहे? 6,60,000। तो शेयर अलॉटमेंट 6,60,000 डेबिट, पूरा कैपिटल का है? हाँ सर, 6,60,000 पूरा कैपिटल। क्या पूरा पैसा मिला? हाँ सर, 6,60,000 पूरा मिला। जितना अलॉटमेंट डेबिट है उतना अलॉटमेंट क्रेडिट होना कंपलसरी है, 6,60,000। समझाइए, फर्स्ट कॉल कितने का हुआ है? 4,40,000। तो फर्स्ट कॉल डेबिट कितना? 4,40,000। तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट भी कर देता हूँ 4,40,000। क्या पूरा पैसा मिला कैपिटल में? हाँ सर, पूरा कैपिटल का है और पैसा भी पूरा मिला। क्लियर है? फाइनल कॉल कितने का है? 6,60,000।
6,60,000 पूरा कैपिटल में गया। हाँ। जितना पैसा आ रहा है पूरा फर्स्ट कॉल का है, सॉरी फाइनल कॉल का है 6,60,000 हो गया 8 माह। क्या मेहनत है ये समझना है खाली आपको, कितना कैलकुलेशन करना है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन एग्जाम में सिंपल सम आ सकते हैं क्या? यस, एग्जाम में सिंपल सम आ सकता है, बट इतना सिंपल नहीं। थोड़ा सा और कैलकुलेशन आएगा इसके अंदर, बट इतना सिंपल नहीं आएगा। एंट्रीज तो यही रहेगा, एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको अगर ये समझ जाता है तो फिर सिंपल ही लगेगा। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, मतलब इधर कुछ मिस्टेक और फिर एंट्री राइट भी है, अमाउंट रॉन्ग है, तो मार्क्स कट सकते हैं। आप खाली एंट्री लिख के आओगे और एग्जामिनर को बोलेगा मार्क्स दे दो, तो एग्जामिनर बोलेगा किधर मार्क्स दो, एंट्री में अमाउंट ही नहीं है, तो मार्क्स कैसे बनेंगे? बात समझा है पक्का? स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, बढ़ेंगे नेक्स्ट सब की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 342, सम नंबर 4। पेज नंबर 342, सम नंबर 4। देखो एंट्रीज वापस से बोर्ड पे रखा है ये मैंने, मैं एंट्रीज रब नहीं कर रहा हूँ, खाली अमाउंट में रब कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे अमाउंट चेंज होगा, बाकी सब चीजें वही रहने वाली है। होपफुली आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो, तो अगर नोटबुक लेके बैठे हो तो पॉसिबल है तो इसका कैलकुलेशन करके रखो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कितना पैसा आने वाला है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी जो बैठे यहाँ पे उन लोग को भी बोल रहा हूँ, और जो ऑनलाइन बैठे उनको भी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपनी का कैपेसिटी, एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने शेयर अलॉट किए, रिजेक्ट रिफंड कुछ है क्या, और ये ज्यादा नहीं, 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में क्वेश्चन रीड करो और ये कैलकुलेशन करके रखो। 2 मिनट के लिए मैं माइक म्यूट रखता हूँ, तब तक आप लोग कैलकुलेशन करो, और ऑफलाइन जो बैठे इनको भी बोल रहा हूँ। सम नंबर 4 करना है। लाइव स्टूडेंट जो लोग देख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, पेज नंबर 342 पे सम नंबर 4 इसका वर्किंग प्रिपेयर करना आपको सेल्फ, फटाफट प्रोजेक्टा सम नंबर 4 ज्यादा हो बेटा, तुम्हें नहीं तुम्हें पिलवल करना ज्यादा भाई। ओके समीना, डेथ ऑफ पार्टनर इजी है बेटा, पप्पू भाई डेथ ऑफ पार्टनर इजी है, करोगे तो इजी लगेगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर देना भाई, गरीब का भला आएगा। टिम्पल करवा, ओके, लाइक्स वगैरह कम आते, व्यूज कम आता है, बट वो सेकेंडरी पार्ट है, आप लोगों को समझ में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, बस इतना करो। एक बार वापस नरेशन बोलो, सना शेख, ओके समीना, ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है जरा लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। ओके मनोहर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इक्विटी शेयर का मीनिंग क्या होता है? इक्विटी शेयर का मतलब होता है तो मेन ओनर ऑफ द कंपनी, मालिक ऑफ द कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो और इक्विटी शेयर्स में लगाते हो तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो उतने शेयर के लिए। सोनाली चौहान का हो गया, वेरी गुड। ध्रुवी गज्जर, डन। जरा अगर आपका हो गया तो लाइव चैट बॉक्स में एप्लीकेशन में कितना पैसा, अलॉटमेंट में कितना पैसा, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा और फाइनल कॉल में कितना पैसा आएगा, फटाफट एक एक करके लाइव चैट पे मैसेज करो जल्दी से। थैंक यू सो मच पप्पू भाई। गौरी शर्मा, ओके डन, वेरी गुड। जल्दी 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 फटाफट कमेंट आना चाहिए। सर डन, मुस्कान, ओके। जरा आप लोग आपका जो ये है अमाउंट फटाफट मैसेज करो जल्दी से लाइव चैट में।
बेटा ये अलग सम नहीं है, अलग सोचेगा तो अलग लगेगा। वर्किंग पॉसिबल है तो बनाओ, नहीं कर सकते तो मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके चलिए ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन रीड करता हूं। दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इश्यू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच पेबल एज फॉलो। 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और 2 रुपया फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स। The director decided to reject the excess application and refund the application money on that. Company received all money. जरा ध्यान से। कितने शेयर्स बेचने कंपनी को? 1 लाख। मतलब कंपनी का कैपेसिटी 1 लाख का है। आप लोग ने अगर वर्किंग बनाया रहेगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 1 लाख शेयर्स मेरे को बेचना है, बट एप्लीकेशन आया 1,20,000। इसे कहते हैं ओवर एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? ओवर एप्लीकेशन। इसके पहले था अंडर एप्लीकेशन, अब आया ओवर एप्लीकेशन। जब ओवर एप्लीकेशन आया है तो अपने को देखना पड़ेगा कि जो ज्यादा एप्लीकेशन आया उसका करने का क्या। कंपनी अलॉट कितना कर सकता है जितना कैपेसिटी? 1 लाख। तो बचा कितना? 20,000। इसका क्या करना है? तो क्वेश्चन में बोला है कि जो भी एक्सेस अमाउंट आया है कंपनी ने डिसाइड किया उसे रिजेक्ट करना है। मतलब 20,000 शेयर रिजेक्ट होगा। पिछले सम में एक लाइव में मैसेज आया सर वो 3,000 शेयर का क्या, क्योंकि 25,000 कैपेसिटी था, एप्लीकेशन 22 है तो 3,000 का क्या? वो बिका ही नहीं है तो उसके बारे में सोचेंगे क्या? नहीं। आपको कुछ सामान बेचने निकाला है, आपने बोला मैं 25,000 सामान बेचता, बिका 22,000 है तो 3,000 के बारे में सोचेंगे क्या? दूसरे दिन बेचने निकालेंगे तब सोचेंगे। मतलब उधर 3,000 के बारे में नहीं सोचना है। बट यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख शेयर बेचना था, 1,20,000 कस्टमर आ गए। तो जो लोग आए जिन्होंने अप्लाई किया, हमने बोला भाई तुम अप्लाई कर रहे हो तुमको नहीं दे सकते, 1 लाख शेयर ही बेचने का तो पूरा बिक गया, आप चले जाओ। मतलब 20,000 शेयर को हमने क्या किया? बात समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं एप्लीकेशन के कैलकुलेशन पे। तो एप्लीकेशन पे 1,20,000 शेयर आया है जिसपे एप्लीकेशन पे कितना मिलने वाला, जरा देखते हैं। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए के 100 रुपए, 10 रुपए। 10 रुपए में एप्लीकेशन पे कितना? 2। अलॉटमेंट में कितना? 4। फर्स्ट कॉल 2। फाइनल कॉल 2। हो गए टोटल तुम्हारे 10 रुपए। 1,20,000 पे रोशनी कितना? 2 रुपए के हिसाब से 2,40,000 आएगा। इन्होंने अप्लाई किया मेरे पास, लेकिन मैंने इनको क्या बोला, भाई देखो आपने अप्लाई तो कर दिया है बट कैपेसिटी कितना है? 1 लाख। मतलब 1 लाख शेयर ही बेच सकता हूँ, इनटू 2 के हिसाब से सिर्फ 2 लाख रुपया ही मेरा कैपिटल है। तो एक्स्ट्रा कितना बचा? 20,000 शेयर पे 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है, इन शॉर्ट 40,000 जो एक्स्ट्रा आया है, ये हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन समझ में आया तक बेटा? कैलकुलेशन क्लियर। अब अलॉटमेंट पे जाए, अलॉटमेंट कितना अलॉट करेंगे? जितना कैपेसिटी है। कितना कैपेसिटी है? 1 लाख। 1 लाख पे अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 4। तो टोटल कितना मिलेगा? 4। इधर कोई रिफंड रिजेक्ट वगैरह कुछ आने वाला है क्या? नहीं। जो भी रिफंड था हमने दे दिया ना, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपने पास है क्या किसी का? नहीं। तो भाई अलॉटमेंट में 4 लाख रुपए दे दो भाई। क्लियर। फर्स्ट कॉल कितना करेंगे? पूरा 1 लाख। 1 लाख शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख। 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख। एंट्री क्लियर। अब भरते अमाउंट, चलिए देखते हैं अमाउंट कैसे फिल इन द ब्लैंक होगा। सबसे पहला एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला एप्लीकेशन का? 2,40,000 रुपए एप्लीकेशन का पैसा कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 2,40,000। ये पैसा किस चीज का है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 2,40,000। जितना एप्लीकेशन, देखो एंट्री में कैसे फिल कर रहा हूँ अमाउंट को देखो, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन पहले डेबिट। क्या ये पूरा पैसा 2,40,000 कैपिटल का है? नहीं सर, कैपिटल का तो सिर्फ 2 लाख है। तो कैपिटल में कितना जाएगा? 2 लाख। बाकी अपने को क्या करना है? रिजेक्ट, रिफंड करना है। रिफंड करना मतलब पैसा देना है, पैसा आया था डेबिट, अब देना है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एक एंट्री ऐड हो जाएगा, पैसा जाने वाला है तो 2 कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आया क्या? कितना? 40। तो यहाँ पे 40,000 और ये आपका 2 लाख। जितना अकाउंट डेबिट उतना अकाउंट क्रेडिट।
एप्लीकेशन स्टेज समझ में आया? Yes, sir. पक्का समझ में आया? Yes. 100% साहिल. साहिल आगे क्या है? अलॉटमेंट. कितने का है? 4 लाख. इधर कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर. 4 लाख अलॉटमेंट का मिलेगा और पूरा अलॉटमेंट जाएगा कैपिटल में. 4 लाख. जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट. क्या पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिला? हाँ सर, पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिला. समझाइए. फर्स्ट कॉल पे जाएंगे, कितना मिलने वाला है? 2 लाख. 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट. जितना अलॉटमेंट आया है डेबिट उतना अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल क्रेडिट. पूरा पैसा मिला 2 लाख? हाँ सर, पूरा मिला. फाइनल कॉल कितने का है? 2 लाख. 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट. पूरा पैसा मिला? हाँ सर, पूरा पैसा मिला. 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट. क्लियर है? हो गया सब? समझ में आ रहा है? देखो इश्यू ऑफ शेयर में मैंने अभी तक एक ही बार एंट्री लिखा ना. तीन सम किया, एंट्री एक ही बार है. ये एडिशन हुआ तो ये जब आप जैसे जैसे लेवल क्लियर करोगे अपने लाइफ में इश्यू ऑफ शेयर का, आपको समझ में आता है कितना कब क्या करना है. जैसे रिफंड आया तो रिफंड किधर होता है? एप्लीकेशन के स्टेज में होएगा. तो रिफंड होगा तो पहले पैसा आएगा, उसके बाद रिफंड करेंगे. तो भाई पैसा आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट. क्रेडिट मतलब टू कैशर भाई. अंडरस्टूड? चलिए ठीक है. और किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? पक्का बढ़ेंगे नेक्स्ट सम, सम नंबर 5 की तरफ. थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान देना. आज के लिए ये लास्ट सम होगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह करेंगे. अभी सम नंबर 5, होप यहाँ तक सबको क्लियर है. ओके, बढ़ेंगे सम नंबर 5 की तरफ. थोड़ा सा अलग होने वाला है, जरा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 342 अनसॉल्व सम लेने, इसलिए मैं अनसॉल्व सम ले रहा हूँ. अनसॉल्व के अंदर अच्छे से पैटर्न दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2, 3 फॉर्मेट में दिया हुआ है. ये बुक के अंदर मुझे ये जो कंसेप्ट है ये प्रैक्टिकल बुक क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ. इससे आपका जो प्रॉपर विजन है ना इशू ऑफ शेयर्स का वो क्लियर होगा. इसलिए अनसॉल्व सम्स ही मैंने लिया है. ओके, स्टार्ट करता हूँ सम पेज नंबर 342 सम नंबर 5. चलिए ठीक है. सुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 लाख्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ₹20 लाख्स. इसके पहले आपने जब भी सम पढ़ा था ना वहां पे रुपीस वर्ड नहीं था भाई. एबीसी कंपनी इशूड 1 लाख शेयर, इशूड 10,000 शेयर, इशूड 25,000 शेयर, वहां पे रुपीस नहीं था, यहाँ पे रुपीस लिया है. इसका मतलब है जैसे मैं अगर बोलता हूँ मेरी कंपनी की कैपेसिटी 10,000 है और एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, तो मुझे कितना रुपीस चाहिए? 1 लाख रुपीस शेयर इशू करना है. बात समझ में आया क्या? तो अगर रुपीस में दिया है इसका मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स है क्या? बोलेगा नहीं, ये टोटल कैपिटल है. फर्क समझ में आया? रुपीस वर्ड दे दिया मतलब वो टोटल कैपिटल है, उसमें शेयर कितना ये आपको फाइंड करना होगा. तो आगे अगर मैं रीड कर रहा हूं तो आगे दिया है सुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू ₹100 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर पेबल एज 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड प्रीमियम ऑन एंड 10 प्रीमियम, 50 ऑन फाइनल कॉल एंड 10 प्रीमियम. The shares were oversubscribed to the extent of 26,000 equity shares. Application of 2,000 shares were sent a letter of regret and application money were refunded. Remaining application were allotted a shares on pro rata basis. All money due and allotment on final call was duly received. Very important sum, ध्यान से करेंगे, ठीक है? चलिए start करते हैं. मैंने आपको बताया था इस company का capacity कितना है, देखो ₹20 lakhs. और एक शेयर का कीमत कितना बोला है? 100 रुपया. अगर एक शेयर का कीमत 100 रुपया है तो कितने शेयर इशू करने? तो इसको डिवाइड बाय 100 करो, 0, 0, 0, 0. कितने शेयर इशू करने? 20,000 शेयर इशू करने. एक का वैल्यू 100 है, वो जाके कितना पैसा मिलेगा? 20,000 मिलेगा. बात समझाइए. रुपीस दिया था तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड किया? समझा? पक्का मनीषा? तो अब मुझे मालूम पड़ गया कंपनी का कैपेसिटी कितना है. कंपनी का कैपेसिटी है 20,000 शेयर्स. एक का फेस वैल्यू कितना है? 100. समझा? तो 20,000 इंटू 100 करोगे तो 20 लाख रुपया मिलेगा. एप्लीकेशन कितना मिला? तो वहां पे दिया है कंपनी को एप्लीकेशन 10. आप एप्लीकेशन कितना मिला है? तो एप्लीकेशन
received for 26,000 shares. कितना application मिला है? 26,000. तो भाई 20,000 shares बेचना था, 26,000 मिला. सर ज्यादा मिल गया. इसे क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन. क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन. तो बचा कितना? 6,000. अब ये 6,000 के साथ क्या हुआ जरा देखते. क्वेश्चन में दिया था एप्लीकेंट ऑफ 2,000 शेयर्स वेर सेंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट एंड एप्लीकेशन मनी वेर रिसीव्ड सॉरी रिफंडेड. मतलब जो 6,000 था इस 6,000 के अंदर दो चीज हुआ. 2,000 शेयर होल्डर को हमने रिफंड कर दिया बराबर है और बचा 4,000 इसे हमने प्रो राटा किया. अब ये प्रो राटा का मतलब होता है सिंपल का पैसा एडवांस लेके रखा है. चलिए क्या एडवांस कि भाई मुझे शेयर्स बेचना है. एक सिंपल एग्जांपल भाई कल सुबह आओ मेरे शॉप पे मोबाइल बिकने वाला है आईफोन 2,000 रुपए में. लाइन लगेगी 2,000 में आईफोन लाइन लगेगा और आदमी एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार खरीदेगा. बोलेगा 2,000 में खरीद तो लाख लाख में बेचूंगा. बराबर है. तो कंपनी ने बोला भाई 2,000 रुपए मोबाइल बिक रहा है अप्लाई करो लेकिन पहले एप्लीकेशन का पैसा दो. पहले तुम अप्लाई करो तुम्हारा एप्लीकेशन देखूंगा और फिर तुमको मोबाइल बेचूंगा. बराबर. ध्यान से सुनना क्या होगा. मैं 2,000 रुपए मोबाइल बेच रहा हूँ और मैंने पब्लिक को बोला है आप अप्लाई करो आपको कितने मोबाइल चाहिए. तो बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया. मेरे पास मोबाइल बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 मोबाइल है बेचने के लिए. ठीक है. और मुझे हर मोबाइल में कितना चाहिए अभी मैंने बताया 2,000 बराबर है. एक मोबाइल 2,000 में बेचने वाला हूँ तो 20,000 × 2,000 करूंगा जो भी अमाउंट आएगा इतना पैसा मेरे को चाहिए. मैं उस पे जा ही नहीं रहा हूँ. मोबाइल कितना बेचना है 20,000 2,000 रुपए में बेच रहा हूँ. तो मैंने बोला भाई जिसको खरीदने का अप्लाई करो. मनोर ने अप्लाई कर दिया स्वाति ने अप्लाई कर दिया रोशनी ने अप्लाई कर दिया सोनाली ने अप्लाई किया भाई सबने अप्लाई किया और सबने एक एक के लिए नहीं अप्लाई किया है. किसी ने 2 किसी ने 5 किसी ने 20 शेयर्स के लिए अप्लाई मतलब 20 मोबाइल के लिए अप्लाई कर दिया. बराबर है. भाई मैंने देखा एप्लीकेशन बेचना था 20,000 और एप्लीकेशन आ गया 26,000 का. कितने मोबाइल बिकने के एप्लीकेशन आ गए 26,000. तो मैंने भाई 26,000 आया कैसे दे सकता हूँ. मैंने बोला नहीं भाई 2,000 एप्लीकेशन को रिफंड भाई इनको दे दो इनको मोबाइल नहीं बेचने का. 2,000 सीधा का सीधा मैंने रिफंड कर दिया. जो भी तुमने एप्लीकेशन का पैसा दिया है भाई लॉ लेके जाओ हमको नहीं चाहिए आपको ही दे सकते हैं. अब कितना बचा 26 में से 2 चला गया बचा 24,000. 24,000 में भी मोबाइल तो 20,000 ही है तो 4,000 एप्लीकेशन ज्यादा है ना. तो क्या 4,000 मोबाइल दे सकता हूँ नहीं. नहीं. अब मैं उनको बोल रहा हूँ भाई देखो तुमने अप्लाई किया है 4,000 एक्स्ट्रा के लिए. मेरे पास 4,000 एक्स्ट्रा तो नहीं है 20,000 ही मोबाइल बेचने का. तो तुमने 4,000 का जो भी पैसा मुझे दिया है एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो आपका आगे वाले कॉल में मैं एडजस्ट कर दूंगा. मैं आपको एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं दे सकता हूँ. उसे कहते हैं प्रो राटा. समझ में आया. जब आप अप्लाई करते हो एप्लीकेशन में जब अप्लाई करते हो आपने ज्यादा के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी क्या करेगी वो ज्यादा पैसा जितना भी अप्लाई किया है वो आगे के इसमें एडजस्ट अगर करती है तो उसे प्रो राटा कहते हैं. लेकिन अगर रिफंड कर देती है तो भाई आपके शेयर रिजेक्ट हो गए रिफंड हो गए पैसा कुछ भी नहीं बचा आपको वापस मिल जाएगा. समझा प्रो राटा क्या है. ऑल स्टूडेंट यहां तक क्लियर है. चलिए ठीक यहां तक क्लियर है सबको पक्का. तो अब भी मैंने आपको बताया कि इस स्टेज में क्या हो रहा है प्रो राटा हो रहा है. मतलब यहाँ पे 4,000 शेयर्स का एप्लीकेशन ज्यादा आया है जो मुझे आगे चल के एडजस्ट करना है. 4,000 शेयर्स पे जो भी एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया है वो मैं किधर एडजस्ट करूंगा आगे के स्टेज में. मतलब मैं मांगने जाऊंगा भाई तेरा पैसा दे दो. बोलेगा सर आपने 4,000 मेरा एक्स्ट्रा लेके रखा है चलो उसमें एडजस्ट करो फिर बताओ कितना पैसा चाहिए. बात समझा. चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं. एप्लीकेशन मनी कितना एप्लीकेशन आया पैसा कैसे मांगने वाले जरा देखो कितना पैसा मांगना है. एप्लीकेशन में 10 कितने का शेयर है 100 रुपए का 20 रुपया प्रीमियम है टोटल मांगना है 120 एप्लीकेशन में कितना मांग रहे 10 रुपया मांग रहे कोई प्रीमियम वगैरह नहीं मतलब 10 रुपए मांग रहे. अलॉटमेंट में कितना मांग रहे 40 रुपया कैपिटल का 10 रुपया प्रीमियम का मतलब यहाँ पे मैं मांग रहा हूँ 50 रुपया बराबर. फाइनल कॉल पे कितना 50 प्रीमियम का 10 टोटल 60 देखो 120 हो गया क्या हो गया ना 120 ये क्या है प्रीमियम का और ये क्या है पक्का. चलिए स्टार्ट करेंगे देखते हैं अब क्या है. एप्लीकेशन कितना एप्लीकेशन आया है
26,000। एप्लीकेशन में कितना पैसा मांगा था मैंने? 10,000। मतलब 260,000 आया। क्या ये 260,000 पूरा कैपिटल का है? नहीं, इधर हमने क्या क्या किया है? 20,000 अलॉट किया है, 2,000 रिफंड किया है, 4,000 प्रोरेटा। प्रोरेटा मतलब एडवांस। प्रोरेटा मतलब एडवांस। तो ये 260,000 के अंदर कैपिटल का कितना है? मैं बोलूंगा 20,000 इंटू 10 के हिसाब से 2,00,000 रुपए कैपिटल का है, बराबर। इसमें से 2,000 शेयर को 10 रुपए के हिसाब से यानी कि 20,000 को रिफंड किया है आपने, रिफंड यानी कि रिजेक्ट। बचा 4,000, इसको 10 रुपए के हिसाब से 40,000 को आपने एडवांस रखा है। एडवांस किधर? आगे वाले एंट्री के लिए, मतलब अलॉटमेंट इन एडवांस। हो गया 260,000 का इंफॉर्मेशन क्लियर? 2,00,000 कैपिटल में जाएगा, 20,000 रिफंड होगा और 40,000 एडवांस में जाएगा, समझा। ये सेकेंड स्टेज पे जाएंगे अलॉटमेंट। कितना अलॉट करेंगे? 20,000। अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं? 40 और 10, 50। तो भाई 50 रुपया मांग रहे, मतलब 1,00,000 रुपया मांग रहे। 1,00,000 आएगा ना, 10,00,000 आएगा, 6 जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 10 का 1, 6 जीरो आ गया ना। तो टोटल कितना मांगने वाले? 10,00,000। पर 10,00,000 पूरा नहीं मांगेंगे, क्यों? क्योंकि 10,00,000 के अंदर दो डिस्टिंग्विश है, कैपिटल का भी है और प्रीमियम का भी है। तो पहले प्रीमियम और कैपिटल अलग अलग कर दो। कैपिटल का कितना है? तो कैपिटल का है 20,000 इंटू 40, मतलब 8,00,000। 8,00,000 कैपिटल है और बाकी यहाँ पे जो 2,00,000 बचा है ये किस चीज का है? प्रीमियम, बराबर है। तो 10,00,000 में से 8,00,000 जाएगा कैपिटल में और 2,00,000 जाएगा प्रीमियम। हो गए 10,00,000। बट क्या पूरा 10,00,000 मिलेगा? मैं बोलूंगा नहीं, पैसा ऑलरेडी मेरे पास एडवांस पड़ा है। तो लेस एडवांस कितना? तो इधर पैसा कितना मिलेगा? 7,60,000 प्लस 2,00,000, 9,60,000 मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम का तो अलग ही मिलने वाला है। कैपिटल का 8,00,000 मिलने वाला था जिसमें 40 पहले से मेरे पास एडवांस है, तो 8,00,000 में से 40 निकाल दो, बचा कितना? 7,60,000। तो ये कैश मिलेगा और ये पहले से तो मिलने वाला, ये तो अलग से ही कैश है, मतलब इस स्टेज में पैसा कितना आएगा? 9,60,000। समझाइए फिर से एक बार ध्यान दो। आपने अप्लाई किया था 26,000 के लिए 2,000, तो 4,000 तुमने एडवांस देके रखा है। तुमने कितना एडवांस दिया? 40,000। अब मैं अलॉटमेंट में तुमसे मांग रहा भाई 50 रुपया दे, उन्होंने सर क्या 50 रुपया दे, मैंने कहा 40 रुपया कैपिटल का, 10 रुपया प्रीमियम का। तो प्रीमियम तो तुम देने वाले हो, जब ये 40 रुपया देने जाओगे तो तुम बोलोगे सर मेरा आपने 40,000 एडवांस रखा है ना, आपने मुझे तो शेयर दिया नहीं, तो 40,000 मेरे पास एडवांस पड़ा है, तो 8,00,000 किस हिसाब से? 40 एडजस्ट करो, 7,60,000 ही बचता है, उतना ही दूंगी मैं, समझा। तो 7,60,000 तो देना ही है और 2,00,000 तो प्रीमियम का है, समझा। ये अलॉटमेंट में जाते हैं, अलॉटमेंट में आएंगे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे जाएंगे। कितना? 20,000। कितना मांगेंगे? 50, सॉरी 60, मतलब 12,00,000। अब 12,00,000 में कैपिटल का कितना है? तो 20,000 के हिसाब से 10 रुपए यानी के 10,00,000, बाकी 2,00,000 क्या है? प्रीमियम। अब पूरा 10,00,000 मिलेगा, हाँ, क्योंकि कोई एडवांस तो नहीं है, जो एडवांस 40,000 था वो तो इधर एडजस्ट हो गया। अगर एग्जांपल यहाँ पे 10,00,000, 4,00,000 के जगह पे मेरे पास एडवांस 20,00,000 होता तो मैं क्या करता भाई? 8,00,000 में से 20,00,000 एडजस्ट कर, मतलब पूरा 8,00,000 एडजस्ट कर, मैंने एडवांस देके रखा है, फिर इधर भी एडजस्ट करता और जो बच जाता फिर चल रिफंड कर, बट अपने पास कम एडवांस है, जिधर खत्म हो गया खत्म, फिर आगे एडजस्टमेंट नहीं। समझा वर्किंग? साइड क्लियर है? अमाउंट वहां पे प्रॉपर भरने का, ये टाइप के सम्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं, दिस इज द टाइप जो एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे एक ही कॉल है, एक ही कॉल है और ये एंट्रीज है। इस टाइप का सम 8 मार्क के लिए आएगा, सिंपल है। अगर कैलकुलेशन आपको समझ गया तो सम सिंपल है। अब जरा एंट्रीज में देखना कैसे एंट्री सॉल्व हो रहा है, वापस एक बार क्या हुआ? सीएमडी नहीं समझ में आया बेटा, CMD को समझ में नहीं आया, पूरा ऊपर से क्या ऐसा लिख रहा है? वापस एक बार, वापस एक बार, चलो फिर से एक बार। 26,000 एप्लीकेशन आया, 10 रुपए के हिसाब से 2,60,000 आएगा, 2,60,000 के अंदर कैपिटल का तो सिर्फ 20,000 ही है, तो 2,00,000 ही कैपिटल का है। उसके बाद
जो आपने रिफंड किया है कितना 2000 शेयर, 10 रुपया मिला तो 10 रुपया रिफंड करेंगे, 20 रिफंड कर दिया तो 2,20,000 रिफंड, 40,000 तुमने तुम्हारे पास रखा, उसको क्या बोला भाई तूने एडवांस देके रखा है, मैं आगे की कॉल में तेरे साथ एडजस्ट कर लूंगा, तेरे को रिफंड नहीं कर रहा, 26,000 में से 2,000 रिफंड किया, 4,000 आपके पास रखा है, एक्चुअल में उसको रिफंड करना चाहिए, क्यों, कैपेसिटी तो 20,000 की है, फिर भी आपने 4,000 आपके पास रखा है, मतलब आपने एडवांस रखा है, और कौन सा एडवांस, इसके बाद का स्टेज का नाम अलॉटमेंट इन एडवांस, समझा हाँ या नहीं, 40,000 एडवांस रखा है, आप अलॉटमेंट ले गए भाई 10,00,000 रुपए दे, 10 में से 2 प्रीमियम का है बाजू में निकालो, 8,00,000 रुपए दे, देखिए सर 8,00,000 तो नहीं, 40 पहले एडवांस है वो तो माइनस करो, मेरा ठीक है माइनस किया, 7,60,000 दे प्लस 2,00,000 प्रीमियम का दे, मतलब इधर कितना मिलेगा 9,00,000, ये वर्किंग क्लियर हुआ, फाइनल कॉल में पूरा पैसा मिलने लगा, 50 कैपिटल का, 10 प्रीमियम का, प्रीमियम और कैपिटल इधर कुछ है ही नहीं, एंट्रीज पे आते जरा ध्यान देना, एप्लीकेशन के कितने का एप्लीकेशन हुआ 2,60,000 डेबिट, 2,60,000 क्रेडिट, इम्पोर्टेंट जरा ध्यान देना, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना एप्लीकेशन पहले डेबिट करो, अब इधर ही क्या ये 2,60,000 पूरा कैपिटल का है, नहीं। कितना है कैपिटल का 2,00,000 कैपिटल का है, तो भाई कैपिटल में 2,00,000 बाकी 60,000 का क्या, 60,000 में 20,000 रिफंड करना है, रिफंड करना मतलब पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना रिफंड किया 20,000 और बाकी 40,000 एडवांस रखा है, कौन सा एडवांस रखा है अलॉटमेंट इन एडवांस, तो भाई इधर क्रेडिट में टू अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट, कितना जितना डेबिट उतना क्रेडिट, एंट्री समझा भी पक्का, देखो एंट्री में एडिशन किया मैंने, बाकी एंट्री वही है, रिफंड किया तो आपको जब भी रिफंड आएगा तो पैसा जाने वाला है, एडवांस है तो एडवांस लिखना है, तो ये आपका पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज है अलॉटमेंट, कितना पैसा आने वाला है 10,00,000 भाई, शेयर अलॉटमेंट कितना आने वाला है 10,00,000, क्या ये 10,00,000 पूरा कैपिटल का है, बिल्कुल नहीं, कैपिटल का तो 8,00,000 है भाई, कैपिटल का अगर 8,00,000 है तो बाकी 2,00,000 किस चीज का है, प्रीमियम का है, है नहीं, इधर प्रीमियम क्या है, तो इधर आएगा टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे 2,00,000 एंट्री, समझा 10,00,000 डेबिट है तो 10,00,000 पहले क्रेडिट कर दो, अब मेरे को बताओ ये 10,00,000 पूरा कैश आया क्या, नहीं, कैश कितना आया 2,00,000 और 7,60,000 मतलब 9,60,000, तो कैश कितना आया यहाँ पे 9,60,000, बाकी 40,000 सर वो तो एडवांस था ना, अलॉटमेंट एडवांस था, क्रेडिट एडजस्ट करेंगे तो डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे अलॉटमेंट इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना 40,000 जो आपके पास पैसा जमा था वो हमने इधर एडजस्ट किया, आया था क्रेडिट जाएगा तो अलॉटमेंट खत्म, फर्स्ट कॉल करेंगे कितने का करेंगे 12,00,000 का, तो फर्स्ट कॉल 12,00,000 डेबिट, 12,00,000 पूरा कैपिटल, नहीं कैपिटल सिर्फ 10,00,000 किया ना, बाकी 2,00,000 क्या है प्रीमियम, तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, कितना 2,00,000 जितना फर्स्ट कॉल डेबिट उतना फर्स्ट कॉल पहले क्रेडिट कर दो 12,00,000, क्या पूरा पैसा मिला, हाँ सर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा कैश आया 12,00,000 खत्म, सर इसका काम ही नहीं है, खत्म हो गया सम, इतना ही, समझ में आया, अब इस एंट्री को कितना, अब इस एंट्री को आपको 1, 2, 3, 4 है तो 2 मार्क मिलेगा, इस एंट्री को 1.5 मार्क मिलेगा, इस एंट्री को फिर 1.5 मार्क मिलेगा, मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेंगे एंट्रीज को मार्क्स बढ़ना चालू, समझ में आया, टोटल 6 एंट्री हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंट्री है, 8 मार्क का सम है तो अभी भी 2 मार्क है तो 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 एंट्रीज, समझ में आया पक्का क्लियर है, और किसी को डाउट है कॉल दिन और ईयर बेटा अलग है मयूर, कॉल दिन और ईयर का कंसेप्ट अलग है वो अभी तक मैंने नहीं लिया है, नरेशन डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, नरेशन के अंदर बेसिक नरेशन मैंने जो बताया उतना लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके क्लियर नो प्रॉब्लम,
और कुछ डाउट है किसी को? होप यहाँ तक क्लियर है। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कल के लेक्चर के अंदर कुछ नए पॉइंट्स आप इशू ऑफ शेयर्स के स्टार्ट करूंगा। शेयर कोर फीचर क्या होता है, उसकी एंट्री कैसे याद करनी है, आज मैंने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक लिया है। कल के लेक्चर के अंदर शेयर फोर फीचर, कैपिटल रिजर्व क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? आज हमने ऑलमोस्ट चार सम किया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, चार सम वाइंड अप किया है। कल भी अपन जो अनसॉल्व सम है, सम नंबर 6, 7 और 8 विल ट्राई कि वो कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। कल भी सेम टाइमिंग। यस बेटा।